हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NJClack07 में। तो आप देख ही रहे हो, तुलसी माता भी सही है, ज़्यादा ठंड में अभी सूखी नहीं है। और यहाँ देखो, ये छोटी वाली प्याज जो है कितने बढ़िया से ग्रो कर दी है, लेकिन इसके लीव्स जो है बहुत पतले और कमज़ोर हैं। जैसे ये बड़ी वाली है, बड़ी वाली प्याज के देखो कितने बड़े और घने और टाइट पत्ते हैं। ये देखो, ये भी मिर्ची का पौधा, इसी में सबसे ज़्यादा काले कीड़े हो रहे हैं। ये देखो, सब में काले कीड़े हो रहे हैं, इसमें भी हो गए, तभी इसको मैंने अलग रख दिया। और यहाँ मैरीगोल्ड में देखो, सब में फ्लावर्स आने वाले हैं, जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट हैं सब में एक एक कलियाँ आ रही हैं, आप देख ही रहे हो। और भी पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं मैरीगोल्ड के, इसमें भी देखो कली आ रही है। और जो एक और है यहाँ पे देखो, इसमें एक कली यहाँ आ रही है, दो छोटी छोटी और आ रही हैं। तो आप देख ही रहे हो, मैं अच्छे से ध्यान रखता हूँ पौधों का। और यहाँ साबुत धनिया भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अभी टाइम लगेगा, सूख जाएगा तो आपको मैं हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ ये पिटूनिया का फ्लावर्स जो है ये सूख चुका है, इसको हम तोड़ लेंगे। आगे के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं गार्डन कैसा है मेरा छोटा सा, और फ्लावर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, और पेड़ों को मैं जो भी प्रोटीन वगैरह दे रहा हूँ, खाद वगैरह, ये भी अच्छे से आप भी अपने, अगर आपका गार्डन है तो आप भी दें, खाद ज़रूरी होती है पौधों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना गार्डन कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आगे और अपडेट मिलती रहे। और चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताना गार्डन कैसा लग रहा है, धन्यवाद। बहुत सारे पौधे जो हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा और ग्रो करने में, तो साबुत धनिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं गार्डन कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और अपडेट मिलती रहे, धन्यवाद।